الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے کر لے عبادت جوانی میں کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کاٹا بھی پھول ہے
तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है, चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता गो, हमें भी अता गो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता गो वो रूह है बिलाली, हमें भी अता गो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता हो वो रूह है बिलाली। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये जो ज़िंदगी अता फरमाई है, ये बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। यूँ फरमाया कि ये दुनिया फ़ानी है और आखिरत, फरमाया कि आखिरत तो बाकी रहने वाली है। इसलिए सहाबा किराम ने और अल्लाह वालों ने इस फ़ानी दुनिया से कभी भी दिल नहीं लगाया। इंसान जब किराए के मकान में हो उससे दिल नहीं लगाता, 3 दिन के लिए मुंबई जाए किसी काम से वहाँ से दिल नहीं लगाता। तो मेरे अजीज़ो, इसी तरह ये दुनिया फ़ानी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। फिर दिल लगाने की जगह क्या है? फरमाया कि आखिरत ये दिल लगाने की जगह है। यूँ फरमाया कि दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, और वो कितना रहना है? 50, 60, 70 साल, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं। और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना आखिरत में रहना है, और वहाँ कितना रहना है? 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल, 1 अरबों साल, 1 खरबों साल। फरमाया वो जो ज़िंदगी है वो लामहदूद है, कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना फना होने वाली। इतनी लंबी जो ज़िंदगी आने वाली है उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने सैंपल के तौर पर मुझे और आपको ये मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर ये 5-6 फीट के बदन पर हम अल्लाह के हुक्म को जारी करेंगे, और प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारेंगे, मेरे अजीज़ों हमेशा हमेशा की लाइफ सवर जाएगी। और इसी को अकलमंद फरमाया, इसी को होशियार फरमाया, इसी को समझदार फरमाया। कौन? फरमाया जो अपनी मौत को याद रखे। अच्छा, मौत को याद रखेंगे क्या होगा? फरमाया मौत याद होगी तो नमाजों का एहतमाम होगा, मौत याद होगी तो कुरान शरीफ की तिलावत का वक्त मिलेगा, मौत याद होगी अल्लाह के रास्ते में जाने को दिल चाहेगा, मौत याद होगी अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने को दिल करेगा, मौत याद होगी बिजनेस में झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, ताना नहीं देगा, ऐब बताए बगैर माल नहीं बेचेगा, मौत याद होगी बदनजरी नहीं करेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करेगा, अपनी बीवी के हुकूक को पामाल नहीं करेगा। अगर मौत याद होगी अपने बच्चों की सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करेगा बल्कि अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करेगा। अगर मौत याद होगी तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, और अगर मौत को भूलेगा तो दुनिया की मोहब्बत दिल में जड़ पकड़ेगी। और यूं फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत ये तमाम बुराइयों की जड़ है,
और अल्लाह की मोहब्बत ये तमाम खैर की जड़ है। अगर कोई चाहता हो कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, फरमाया कि वो अपनी मौत को याद रखें। मेरे अजीजों, एक बड़ा तबका है जिनको हमारी आंखें देखती थी, आज वो दुनिया में नहीं है। वो हमारे साथ मिलते थे, हम उनसे मुसाफा करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। वो हमारे साथ नमाज पढ़ने आते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। वो हमसे फ़ोन पे बात करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। हमने उनका जनाजा भी देखा, उनको दुनिया से जाते हुए भी देखा। मेरे अजीजों, अनकरीब वो दिन आने वाला है कि मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। ये दुनिया रहने की जगह नहीं, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया आखिरत को बर्बाद करने की जगह नहीं, ये दुनिया हीरो की और क्रिकेटरों की नकल उतारने की जगह नहीं, ये दुनिया अल्लाह को नाराज करने की जगह नहीं, ये दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि बनाने के लिए है, बनाने के लिए है। क्या बनाएं? फरमाया अपनी आखिरत बनाएं, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह से सुलह करें, अपने दिल की तार अपने अल्लाह से जोड़ें। मेरे अजीजों, 60-70 साल पहले मेरा और आपका तसव्वुर नहीं था, आगे 60-70 साल के बाद मेरा और आपका तसव्वुर नहीं होगा। और याद रखना, बाद में कोई किसी को याद नहीं करता। हम में से किसको याद है कि हमने अपने परदादा के लिए 10 रुपये ईसाले सवाब किया हो, एक यासीन शरीफ पढ़कर उनको सवाब पहुंचाया हो? क्या हम में से कोई है जिसको ये याद हो? तो क्या ख्याल है, हमारे पर पोते हमें ही साले सवाब करेंगे, हमारे पर पोते हमको पढ़ के बख्शेंगे? ना 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 ना, ये दुनिया तो मतलबी है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी, जग में तेरा कोहटकारी, तन मन का सब जोर लगाकर नाम अल्लाह का बोल। मेरे अजीजो, ये मतलबी दुनिया है, ये मतलबी दुनिया है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यूं फरमाया, यहाँ की इज्जत भी धोखा है, यहाँ की शोहरत भी धोखा है, यहाँ का नामवर होना भी धोखा है, यहाँ पैसे का आ जाना धोखा है, यहाँ इज्जतों का मिल जाना धोखा है। हकीकी जिंदगी मौत के बाद शुरू होगी, आंख बंद होने के बाद हकीकी जिंदगी शुरू होगी। ये तो आरजी है, ये तो फानी है, ये तो खत्म हो जाने वाली है। अरे, न उम्र वाड़ा हमेशा रहेगा, न आप उम्र वाड़ा में हमेशा रहेंगे, न आपका घर हमेशा रहेगा, न आपके घर में हमेशा रहेंगे, न सूरत हमेशा रहेगा, न आप सूरत में हमेशा रहेंगे, न ये दुनिया हमेशा रहेगी, न हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, न हमारी फैमिली हमेशा रहेगी, न हम हमारी फैमिली के दरमियान हमेशा रहेंगे, न हमारा बिजनेस हमेशा रहेगा, न हम हमारे बिजनेस के दरमियान हमेशा रहेंगे। ये कौन सा बिजनेस है जिसके लिए हम अपने अल्लाह को नाराज कर रहे हैं? ये हमारी कैसी औलाद है जिसके लिए हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं? ये हमारे क्या बीवी बच्चे हैं जिनके लिए हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं? हलाल से भी आने दो, हराम से भी आने दो, झूठ बोलकर भी आने दो, सूद के जरिए भी आने दो, क्या करना है? क्या बीवी बच्चों का पेट पालना है? अरे, ऐसा पेट पालना है कि अपनी और उनकी आखिरत बर्बाद करनी है? क्या कब्र को जहन्नम का गढ़ा बनाना है? क्या हमेशा हमेश की लाइफ में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बर्बादी का सामान करना है? फरमाया, ना 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 ना, ये नादानी है, ये मुसलमान की शान नहीं हो सकती। एक मोमिन की जिंदगी कैसी होती है? फरमाया, मोमिन जो होता है, ईमान वाला जो होता है, वो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाता है और अपनी फैमिली को भी जहन्नम की आग से बचाता है। और अल्लाह कुरान करीम में इस बात का ऐलान फरमा रहे हैं और मोमिनों से खिताब करके कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। ये मुझसे भी खिताब है, ए साकिब, ए फुला, ए फुला, ए फुला, ए फुला। ये मेरे और आपसे
अल्लाह का बराह रास खिताब है, अल्लाह मुझे भी कहना चाह रहे और आपको भी कहना चाह रहे, अनफुसकुम, तुम अपने आप को सबसे पहले, अनफुसकुम तुम अपने आप को, वह अहलीकुम नारा और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, वो अल्लाह को नाराज करने की जगह है, वो जो अल्लाह को नाराज करते हैं उनका ठिकाना, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जहन्नम होगा। जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है, ये बहारों की जगह है, ये ऐश की जगह है, ये राहत की जगह है, ये सुकून की जगह है, ये इत्मीनान की जगह है, ये मज़े करने की जगह है, ये पिकनिक की जगह है। हमारे नबी जन्नत में होंगे और जन्नत में बार बार अल्लाह का दीदार होगा, और जब फिरने की जगह हो, घूमने की जगह हो, तफरीह की जगह हो, इंसान सोचता है कि काश मैं अपनी फैमिली के साथ होता। अरे यूं फरमाया कि जन्नत तफरीह की जगह है, अल्लाह ने वहां हूरे रखी है, अल्लाह ने वहां बहारे रखी है, अल्लाह ने वहां आबशारे रखी है, अल्लाह ने वहां मुख्तलिफ किस्म की नेमतें रखी है। मेरे अजीजों, ये दुनिया की नेमत जन्नत के मुकाबले में कुछ नहीं है। अरे जन्नत के बारे में सही मानों में न किसी कान ने सुना होगा और न किसी दिमाग में, न किसी आंख ने देखा होगा और न किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। ऐसी आलीशान जन्नत, अगर हम जन्नत में चले गए अल्लाह हमसे खुश। अरे यूं फरमाया, अगर हम जन्नत में चले गए तो हम कामयाब हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। खुलासा यह है, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। कुरान किसको कामयाब कहता है, असल कामयाबी किसको कहते हैं? फरमाया, जिसके बाद नाकामी ना हो, जिसके बाद नाकामी ना हो। यहाँ की कामयाबी भी धोखा है। 11वीं में फेल होने वाला, 11वीं में पास होने वाला 12वीं में फेल हो जाता है। अभी खुशियां देखने वाला दो दिन के बाद फिर गमी देखता है। मेरे अजीजों, हकीकी जो कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। जब अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में दाखिल कर देंगे, यूं फरमाया, ये हकीकी कामयाबी है। वहाँ की नेमतें अजीब और गरीब है, जो जी चाहेंगे खाएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कब, लेकिन कब? दुनिया में जब अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तब। अगर दुनिया में अपनी मर्जी चलाई, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी को पीछे रख दिया, पूरी जिंदगी का ये इम्तिहान है, एक ही इम्तिहान है, अपनी मर्जी पूरी करते हैं या अल्लाह उसके रसूल की मर्जी। फजर की अजान हुई है, अल्लाह ने बुलाया है, ये किसी मालदार ने कंकोत्री नहीं भेजी है, ये पैदा करने वाला रब, खालिक, मालिक, वो कंकोत्री भेज रहा है और कह रहा है, हैया अल सला, आजा मेरे बंदे नमाज की तरफ, हैया अल फला। अरे तू कहाँ कामयाबी तलाश कर रहा है? नरम नरम बिस्तरों पर, मीठी नींद में? ना 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 ना, ना। वहाँ नाकामी है। अरे तू आ मेरे घर की तरफ, अपनी पेशानी झुका तो सही। यूं फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और जो फजर की नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। मेरे अजीजों, पतंग कट जाए फिर उसके लुटेरे लोग बहुत हो जाते हैं, कहाँ जाके गिरेगी, कौन उसको लुटेगा, कुछ पता नहीं होता। और हाँ हाँ हाँ, फजर छूट जाए उस दिन के लिए जिंदगी की पतंग कट जाती है। नफ्स अपना हाथ बढ़ाता है, शैतान अपना हाथ बढ़ाता है, हमें गुनाहों की तरफ फांसने की कोशिश करता है, हालात शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती है। कुछ बातें याजिज आपके सामने रखना चाहता है, जरा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने और अमल की नीयत से सुने। बंदा जब थोड़ा सा नेक बनता है, अल्लाह की तरफ आना चाहता है, तो क्या करे, नेक ना बने? अरे ना 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 ना, नेक बन जा, अल्लाह का हो जा, अल्लाह से दोस्ती कर ले, एक ही जिंदगी है, वरना आखिरत बर्बाद है।
और नेक बन के अगर अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गया, फिर वहाँ बहारे ही बहारे है, दुनिया में भी चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान और इज्जतें, बगैर प्रोटोकॉल के इज्जत, बगैर प्रोटोकॉल के उसका रौब, उसका दबदबा, फिर उसकी घरवाले भी उसकी माने, जंगल का जानवर भी उसकी माने, और जो अल्लाह की नहीं माने फिर उसके घरवाले भी उसकी ना माने, उसके बच्चे भी उसकी ना माने। इसलिए फरमाया अल्लाह की सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी, अल्लाह की मानो तुम्हारी मानी जाएगी। अरे अल्लाह की मानो तुम्हारी बात का वजन पड़ेगा। अल्लाह से मोहब्बत करो सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। अल्लाह से डरो सारी दुनिया में आपका रौब पड़ेगा। अरे अल्लाह के हो जाओ सब कुछ आपके हो जाएंगे। आप अल्लाह की तरफ आ जाओ, अरे उसके हो करके तो देखो वो सबको अपना हमारा न कर दे तो कहना, उसकी तरफ आकर के तो देखो सबके दिल में हमारी मोहब्बत न डाल दे तो कहना। मेरे अजीजों कुछ बातें हैं ये आजीज आपके सामने रखना चाहता है कि शैतान नेक इंसान को, अच्छे इंसान को कैसे अपना लुकमा बनाता है और कैसे अपने करीब करता है और कैसे उसको अपने अल्लाह की नज़र से गिराता है। बंदा जब थोड़ा सा नेक होता है, दीनदारी की तरफ आता है, तो शैतानी नफसानी शहवानी ख्यालात कभी कभार उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। शैतान उसके दिल में ख्याल डालता है, देख ये गुनाह है ये कर ले तुझे लज्जत मिलेगी, तुझे सुकून मिलेगा, बदनजरी कर ले, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर ले, मुश्तजनी कर ले, ये गुनाह कर ले तुझे अच्छा लगेगा। तो ये शैतान का काम है, ये नफ्स का काम है, वो अपना काम करता है, वो हमारे दिल में गुनाहों का मैसेज डालता है। हम क्या करें, कैसे बचें उस मैसेज से? फरमाया वो जो गुनाह का मैसेज डाल रहा है उसको ओपन न करें, उसको खोले नहीं, उसको क्लिक नहीं करें, उसकी तरफ तवज्जो न दें। मेरे मोबाइल पर किसी ने मैसेज भेजा, अब मेरे इख्तियार में, मैं चाहूँ तो उसको खोलूँ, मैं चाहूँ तो उस मैसेज को ना खोलूँ। अगर उस मैसेज को मैं नहीं खोलता तो फिर मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, अगर उस मैसेज को मैं खोलता हूँ तब मुझे उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा। तो शैतान गुनाह का मैसेज डालता है, अगर हमने उसके मैसेज को क्लिक किया और उसके मैसेज पर पीएचडी किया, याद रखना वो अपनी जाल में फंसाएगा, गुनाह करवाएगा, अल्लाह की नज़र से गिराएगा। इसलिए फरमाया कि शैतान की तरफ से जब गुनाह का मैसेज आए और वो हर इंसान को डालता है, ईमान वालों को बतौर खास डालता है, ये मेरा और आपका इम्तिहान है कि उस वक्त मैं और आप क्या करते हैं। जब वो गुनाह का मैसेज डाले तो उस मैसेज को क्लिक न करें, फौरन तीन मर्तबा अल्लाह से कहें, रब मुझे गुनाह से बचा लीजिए, प्यारे अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए। फौरन कोई नेकी कर ले, कोई नेक काम कर ले, इंशाअल्लाह गुनाह का ख्याल चला जाएगा, गुनाह का ख्याल रुकेगा नहीं, गुनाह का ख्याल हट जाएगा। अब एक सवाल होता है कि शैतान भी दुश्मन है और नफ्स भी दुश्मन है, तो ये गुनाह का ख्याल शैतान की तरफ से आया है या नफ्स की तरफ से आया है, कैसे पता चले? फरमाया कि जो गुनाह का ख्याल शैतान की तरफ से आएगा वो एक दो मर्तबा के हटाने से हट जाएगा, और जो गुनाह का ख्याल नफ्स की तरफ से आएगा वो बार बार तकाजा करेगा, ये गुनाह कर ले, ये गुनाह कर ले, ये गुनाह कर ले। क्योंकि नफ्स की मिसाल बच्चे की तरह है, नफ्स जिद्दी होता है, एक चीज पे अड़ जाता है, और शैतान क्या करता है, गुनाह का मैसेज डालता है। अगर हम उसके मैसेज को ना खोलें तो वो बड़ा होशियार है, चालाक है, वो नई नई स्कीमें देता रहता है, नए नए प्लानिंग देता रहता है, अच्छा ये गुनाह नहीं करता तो ये कर ले, ये नहीं करता तो ये कर ले, किसी तरह अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें फरमाया कि पूरी दुनिया में हमारे दो ही दुश्मन, एक नफ्स और एक शैतान, तीसरा हमारा कोई दुश्मन नहीं, चाहे हमारी बुराई करे या हमारी तारीफ करे। हर वक्त दुआ करो, ए अल्लाह नफ्स और शैतान की जाल से बचा ले, इनके मकर को समझा दे, रब मुझे बचा लीजिए। मेरे अजीजों जब नफ्स की तरफ से ख्याल आए, शैतान की तरफ से ख्याल आए,
अल्लाह के जिक्र में हम मशगूल हो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, गुनाह से बच जाए। एक बात याद रखना, अगर जानबूझकर गुनाह किया, मालूम है ये गुनाह है, ये शैतान का धोखा है, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी गुनाह कर ले, ओ गुनाह करते करते रूह निकल गई तो, गुनाह करते करते जान निकल गई तो, गुनाह करते करते अल्लाह नाराज हो गया, तौबा की तौफीक छीन ली तो, गुनाह के मुकाबले में मिस्र के एक मोजिन साहब ने बदनजरी की थी, कुछ वक्त के बाद उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उनको ईसाई बना करके उठाया। कभी कोई गुनाह ऐसा होता है जो इंसान को के ईमान को छीन लिया जाता है, उसकी वजह से मेरे अजीजों ये शैतान की चाल है, अभी गुनाह कर ले बाद में तौबा कर लेना। उसे कहे ना ना ना, याद रखना जानबूझकर अगर गुनाह किया, पता है कि गुनाह है फिर भी कर लिया, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। फिर क्या होता है, गुनाह खत्म हुआ, फौरन कोई हालात, फौरन कोई मुसीबत, फौरन कोई परेशानी, बीवी का नाफरमान हो जाना, बच्चों का अकड़ जाना, माली एतबार से परेशानी का आ जाना, कोई न कोई बाइक का टकरा जाना, पैर का किसी जगह लग जाना, कोई न कोई हालात में इंसान गिर जाता है। क्यों? फरमाया गुनाह के रास्ते में दुख 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 और नेकी के रास्ते में सुख सुख सुख, ये अल्लाह ने ऑटोमेटिक निजाम बनाया है अपने फजल से। खाने को मुंह तक पहुंचाना हमारे इख्तियार में है, अंदर का निजाम अल्लाह ने ऑटोमेटिक बनाया है। नेकी करना या गुनाह करना अल्लाह ने हमारे इख्तियार में रखा है, नेकी करेंगे सुख सुख खुशी के निजाम में दाखिल हो जाएंगे, गुनाह करेंगे दुख के निजाम में दाखिल हो जाएंगे। अनजाने में गुनाह हो जाए माफी मांग ले, जानबूझकर गुनाह न करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। तीन बातें याद रखें, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, और मौत हर हाल में आनी है, मुझे अल्लाह के पास जाना है। कब्र के अंधेरे में अपने अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा, अपने खालिक को और अपने मालिक को और अपने पालनहार को क्या मुंह बताऊंगा। मेरे अजीजों, जो शख्स इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, जो शख्स इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, जान मुझकर गुनाह नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है, ये पक्की बात है। फिर वो मुस्तजाबु दावात बन जाता है, उसकी दुआएं कबूल की जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज तक की जो गुनाह हुए, जिंदगी जो गफलत में गुजरी, इसको नॉर्मल ना लो, इसको नॉर्मल ना लो, ये शैतान का धोखा है। वो कहता है देखा जाएगा, ना 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 ना, बच्चा तीन नाफरमानी करे कैसा बाप को गुस्सा आता है, सामने बोले फिर बाप को गुस्सा आता है। अगर बच्चा कहे देखा जाएगा, बाप की नाफरमानी करते रहो, अरे ना ना ना, हालात में आ जाएगा, बाप दो चार थप्पड़ लगा देगा, घर से निकाल देगा, तेरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, माँ बाप का प्यार फिर तुझे ना मिलेगा। हम गुनाह कर रहे हैं, शैतान कहता है करते रहो देखा जाएगा, ना 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 ना, अल्लाह की तरफ से मार पड़ेगी। और अगर अल्लाह नाराज हो गए और अल्लाह ने कह दिया जा अब तुझे जो करना है वो कर, मेरे अजीजों अगर अल्लाह की हिफाजत से निकल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह वाले हो वो गुनाहों से बचे, हम थोड़ी ना अल्लाह वाले हैं, हम थोड़ी ना नेक है। अरे क्या बोल रहा है, क्या तुझे अल्लाह वाला नहीं बनना, क्या तुझे अल्लाह का दोस्त नहीं बनना, या दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है, फिर कौन है जो यूं कहे कि मैं अल्लाह से दुश्मनी करना चाहता हूं। नहीं करना चाहते फिर क्या करना चाहते हैं, फरमाया दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्त को क्या कहते हैं, फरमाया दोस्त को वली कहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं भी नियत करूं, आप हजरात भी नियत करो कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए अल्लाह वालों की सोहबत है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में भेजा जाता है कि जाओ जाओ अल्लाह के रास्ते में जाओ, मस्जिद की चार दीवारी में अपने औकात को गुजारो। ये दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, ये बिजनेस में भी गुजर जाएगी, ये घर पर भी गुजर जाएगी, ये आईसीयू रूम में भी गुजर जाएगी, ये बीमारी के साथ भी गुजर जाएगी, ये मालदारी
दुकानदारी में गरीबी में भी गुजर जाएगी, ये झोपड़े में और बंगले में भी गुजर जाएगी, ये फ्लैट में और खुद के मकान में भी गुजर जाएगी, बादशाह होंगे तो भी गुजरेगी, फकीर होंगे तो भी गुजरेगी। अल्लाह के दीन की मेहनत करोगे और अल्लाह के लिए वक्त निकालोगे तो भी ये दुनिया की जिंदगी गुजरेगी, और अगर अल्लाह को नाराज करोगे, दुनिया को तरजीह दोगे अल्लाह के कुरान के लिए, नमाजों के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह वालों की सोहबत के लिए, अगर वक्त नहीं निकालोगे तो भी ये जिंदगी गुजरेगी। यहाँ ऐसे रहे के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। मेरे अजीजों, नियत करो कि इंशाल्लाह हम लोग सब गुनाहों से बचेंगे इंशाल्लाह, और अगर गुनाह हो जाए फिर देर न करना, फौरन तौबा। मैंने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, एक धब्बा लग गया अभी तो एक ही लगाए, दूसरा लग गया अभी तो दूसरा लगाए। अरे नादानी है, एक लगाए एक साफ कर ले, दूसरा लगा दूसरा साफ कर ले, इंतजार क्यों करता है, साफ तो कर ले। और एक बात याद रखना आखिरी, अगर गुनाह न छूटे तो नेकी करना भी ना छोड़ना, अगर गुनाह न छूटे तो नेकी करना ना छोड़ना कि भाई गुनाह नहीं छोड़ रहे इसलिए नेकी छोड़ दी। अरे ना 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 ना, गुनाह अंधेरा है, नेकी रोशनी है, रोशनी आती है अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। नेकी करते रहना और गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करना। अल्लाह ने गुनाह से बचने का हुक्म दिया है, और अगर हम गुनाह से नहीं बच सकते तो अल्लाह कभी भी गुनाह से बचने का हुक्म नहीं देते। इसलिए मेरे अजीज, गुनाहों से बचना है, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से। अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो उम्र वाड़ा वालों कल हमारी बारी है। अल्लाह बड़े रहीम है, बड़े करीम है, माफ करके खुश हो जाते हैं, माफी मांगने वालों को पसंद फरमाते हैं। हमारे गुनाह कितने भी हो, खुदा की रहमत के मुकाबले में हमारे गुनाह कुछ नहीं है। अगर हम माफी मांगेंगे अल्लाह को, बड़ा करीम पाएंगे। अल्लाह पाक हमें माफी मांगते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए।